तो हम नानी जी के घर पहुंच चुके हैं, तो अभी चलते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा आप लोगों को। आओ पक्का। दोस्तों आज है सैटरडे और मैं आ गई हूँ राखी लेने के लिए मार्केट। एंड ना मेरे को अभी पसंद नहीं आ रहा और मेरे को लग रहा है पहले कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन अब ब्लॉग बना रही हूँ तो दिखाई देती हूँ आपको कि क्या क्या कैसी कैसी राखियाँ हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी राखी लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ मेहंदी आर्ट, हरियाणा वालों की मशहूर मेहंदी। मेहंदी काली होने की 100% गारंटी, सच में हुई। हाँ जी, बुक कर सकते हैं मेन बाजार भुंतर पीताम्बर कॉम्प्लेक्स। चलो अब हम शुरू करते हैं मेहंदी लगाना और बाकी थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बनाऊंगी और बाकी रक्षाबंधन का बनेगा आपका, ठीक है? और मेरे हाथ देखो कब से बोर है कि मेहंदी लगाते हैं। देखो ना, देखना कितनी मस्त मेहंदी लगी। गाइज मेरी इस मेहंदी को बनने को ना बहुत टाइम लग रहा है। ये हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है मेहंदी लगाने का। अब हम राखी लेने वाले भैया जी से। भैया सही से लगाना हमारे को। सोनल दिखी गया हम मिठाई लेने के लिए और मैं अपनी मेहंदी को ही देख रही हूँ कब से। और ये अभी अभी मिठाई हमारे यहाँ पे पैक हो रही है। ये मेरे को छोटे छोटे रस, क्या बोलते हैं इनको, रसगुल्ले क्या, छोटे रसगुल्ले, बहुत टेस्टी बनाए हैं आपने, बहुत टेस्टी। बस हम इनको खाने वाले हैं। गाइज मैं फिर से अपनी मेहंदी को देख रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है रक्षाबंधन, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड अभी ना मैं जा रही हूँ अपने भाई को राखी लगाने के लिए, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है तो मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है अपने नानी जी के घर। तो मैं आपको आज नानी जी के घर भी ले जाऊँगी। और मौसम देखो, शुक्र है कि रुक गया क्योंकि सुबह सुबह ना बारिश भी लग पड़ी थी तो अच्छा ही नहीं लग रहा था मेरे को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बस उस वजह से ना थोड़ा ढीला ना मैं मतलब थोड़ी ढीली ना वैसे भी पड़ गई, पता नहीं क्यों आज मेरे को थोड़ी सुस्ती भी छाई हुई है। शायद भाई के पास जाने के बाद मेरी मुझे अच्छा लगेगा। तो बस अभी चलते हैं भाई के पास एंड इसके साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही अच्छा, वैसे बहनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, समझ रहे हो ना गाइस। चलो तो गाइस ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इसको अब राखी बनाने वाली हूँ। साझ बेबीते बोलो बड़े बाकी शोभले, राज बेबीते बोलो शोभले शोभले, गला लगा सोठ दा तेरी, खेड़ा हो मेरे दिलाओ, खेड़ा हो मेरे दिलाओ। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, इसलिए मेरा बाद में सब पुत्र इसको हंसी आती है। गाइस अब हम क्या कर सकते हैं इसमें हंसी। देखो दोस्तों, सूरज देवता मेहरबान हो गए और हमारा रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये है मेरी मेहंदी। अरे मेरे हाथ में नई मिठाई है तो आपको अच्छे से दिख नहीं रही होगी। चलो ये रास्ता रहता है नीचे को जाने का। तो लो जी गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने भाई के पास, भाई के वहाँ। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई कैसे देख रहे हैं मुझे। हैप्पी रक्षाबंधन भाई, आओ पक्का। जानी भाई को बनानी है। वाओ गाइस, यहाँ पे देखो आम अजीब घर ने कलर वगैरह कर लिया है। ये देखिए मौसम तो भाई बहुत मोटी बड़ी बहुत मेहरबान है। ये है देखो मेरे सबसे बड़े भाई, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। ये करता है ना भाई, करता है, सच बोल, करता है ना। हाँ जी,
तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने बड़े भाई के वहां पे, मतलब मेरे ताऊजी के बेटे हैं। तो आज मेरे सभी भाइयों से मिल लीजिए आप। तो बस इनको मैं राखी बनाने वाली हूँ अभी। ओके गाइस बाय, अब चलते हम नेक्स्ट वाले भैया के पास। मेरे भाई आज आप पूरे के पूरे देख लीजिए, ठीक है? चलो अब मिलाती हूँ मैं आपको भाई से, छोटे वाले भैया से। गाइस अब आ चुके हैं मेरे भाई, अंदर जा रहे। क्या यार, ना तू नया है ना मुंह धोया है भाई, क्या ये क्या है, इतना हैंडसम होके देखो ये गाइस नया नहीं है। तब सोचा इसने मैंने नहाना। बोलो तो गाइस ये है मेरे बड़े भाई। अरे हम एक और मेरे बड़े भाई के पास, इनसे छोटे जो बड़े बड़े छोटे छोटे, बस यही चलेगा। हाँ हाँ मजा आ रहा ना भाई। खुश रहे, आबाद रहे, जल्दी से शादी होए और मेरे को प्यार करे। मेरे सब भाई को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है ब्लॉग में भाई, पता नहीं क्यों। ये बहुत ज्यादा फर्स्ट ब्लॉगर होना था, वो तो डिलीट कर दी मैंने। ये फर्स्ट ब्लॉगर होना था लेकिन कोई फर्स्ट ही ब्लॉगर है हमारे लिए, तो हमारा भाई फर्स्ट ही ब्लॉगर है। फिर से बनाया है चैनल, बना रहा है अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा। ये था मेरे को जो वो बोल रहा मैं बनाया है, डिलीट हो गया तो ये लगा दिए 19 में बनाई थी। अरे देव पहले रखा दे के पैसे तेरे नहीं खाना राखी पहना ली है एंड अब जाऊंगी मैं अपने मासी जी के घर, फिर जाऊंगी मैं नानी जी के घर, तो काफी मजा आएगा हम लोगों को। एंड बस अब चलते हैं। और ये मेरी मेहंदी देखो, कल ना मैंने इतने सारे कपड़े धोए, इतने सारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जन्माष्टमी मनाई जाती है जो की बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। उसका भी एक ब्लॉग आएगा बहुत ही अच्छे वाला, तो ये ना ऐसी होगी, मतलब इसका रंग ना ज्यादा, वो रंग आया था लेकिन वो सारा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलो अभी चलते हैं, मेरी मम्मी वेट कर रहा है। ठीक है भाई, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन। इस अभी ना मैंने चेंज कर लिया, मैंने और सूट पहना हुआ है और मेरी मम्मी को हंसी आ रही है, वो देखो हंस रहे हो। तो बस अब हम जा रहे हैं बाजार की ओर, वहाँ से हम मिठाई वगैरह लेंगे और सीधा निकलेंगे मासी जी के घर, ठीक है? और अभी तक ना बस नहीं आई और बस का वेट कर रहे हैं, और आज एक भी लिफ्ट भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और मेरी मम्मी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हेलो, तो हमें मिल चुकी है टैक्सी, तो अभी हम टैक्सी में जा रहे हैं। और ये मेरा गाँव, यहाँ पे भी देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सी राखी है। और बस हमें ना थोड़ी देर हुई पहुँच के, और मुझे ना ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, तो इसानवी शानी वगैरह की ले लेते हैं। और मेरी मेहंदी देखो ये वाली मम्मी अच्छी है, ये ठीक है ना, बढ़िया है। तो गाइस यहाँ पे फ्रेश फ्रेश मिठाई बनी हुई थी और भैया जी के वहाँ से मैंने मिठाई उठा ली है। ये देखो इतना बड़ा बैग, बस अब चलते हैं। और ये देखो इतने सुंदर लग रहे हैं, और हमारे दीदी जी, इनको शर्म आती है, इनको नहीं दिखाना है। तो मिठाई लेने के बाद हम आ गए बस स्टैंड में, और यहाँ से हम बस पकड़ेंगे। और यहाँ पे देखो क्या मस्ती छाई हुई है, राखियाँ ही राखियाँ। गाइस कितने सुंदर सुंदर गमले, और मेरा गमले लेने का मन हो रहा है, लेकिन खैर हम चलते आगे। अरे गाइस धूप इतनी ज़्यादा है ना, मैं क्या बताऊँ। और मुझे देखो एक बार, ये देख लीजिए, मुझे देखो ना ऐसे ओढ़ के जाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है। और बस अभी हम पहुँच नहीं वाले मासी जी के घर, तो ये पहुँच चुके हैं मासी जी के घर गर्मी। गाइस ये देखो मेरे भाई का बच्चा, और इसने ही हमारा स्वागत किया, हमेशा यही मिलता है हम लोगों को। ये देखो मैं मिलूंगा, मैं मेरा घर है, मेरा नाम, हाँ, मेरा राज, हाँ, मानव ठाकर, मेरे बाबा। वो माय गॉड, हमारा मानव ठाकुर हमें लेके आया पानी, बहुत ही अच्छा।
थैंक यू सो मच। खुश रहे मेरे भाई, मेरे को प्यार करें बहुत ज्यादा। अच्छा हुआ है भाई, अच्छा हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे भाइयों को तरक्की मिले, अभी भी मिल रही है, आगे और ज्यादा मिले। आपको भी मिले, अभी निकल पड़े हम नानी जी के घर की ओर। नानी जी के घर की ओर निकल पड़े हैं हम, बस चलते, धूप बहुत ज्यादा है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस हमें मिल चुका है ऑटो, मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। गाइस वो रहा मेरा नानी जी का गांव, एंड यहाँ पे भी मेरे मामू जी के बेटे का घर है, और यहाँ पे देखिए तरुण है। तरुण तरुण यहाँ से तो मोटा ही मस्त व्यू आ रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते। ये देखो गाइस मेरी चूंगड़ू मुंगड़ू, मेरे क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। भाव कैसा है, भाव कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग तो शानी इधर को देख, शानी आ देख। नक्शों की बहुत सारी बहने, हैप्पी रक्षाबंधन मेरे भाई। अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने नानी जी के घर, मतलब ये मेरे छोटे मामू जी के बेटे हैं। तो अब मैं इनको फैलाने वाली हूँ, क्योंकि सबको सब कुछ बताना पड़ रहा ना, ऐसे आपको कैसे पता होगा। हेलो भाई, पूजा करते हैं सबसे पहले। दोस्तों ये मेरे सबसे बड़े मामू जी के बेटे हैं, और सबसे बड़े मेरे भाई। तो बस जय हो सबका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माय सिस्टर ऑन द प्रेजेंट ऑफ रक्षाबंधन। ये है हमारी फैमिली नानी घर की, और इसमें अभी और भी इंक्लूड होने थे, लेकिन अब सबको ना नानी सब सभी अपने अपने घर पे बिजी है, तो अभी हमें आप नहीं बोल सकते आप दीदी मेरे छोटी वाले मामी जी। चलो बाय बाय बाय, सब कर रहे बाय बाय। चलो गाइस हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अब ले चलते हैं आपको सुंदर से गांव की ओर। भूल गई अपनी बहन का नाम, भूल गई। हो तो हम नानी जी के घर पहुंच चुके हैं, तो अभी चलते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा आप लोगों को। ये क्या गाइस, यहाँ पे तो चेंज ही हो गया सब कुछ, आने वाले मेले को लगता है कि पूरा अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं यहाँ पे हरी घास वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ घर पे फूल वगैरह बिछा रहे हैं और मेरे को सारे लोग देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है। पकड़ पकड़ के जा, यहाँ के देवते का मंदिर दिख रहा होगा, और मैं हूँ आपकी फेवरेट सेल्फी। मंदिर का डोर निकाला जाता है ऐसे, यहाँ तो गाइस ताला लगा हुआ है। शानी निकाली देवता जी का डोर, और यहाँ से देखो नीचे को कैसे दिखाई देता है, चाहेगा वीडियो। वाह वाह, चलो लाइट भी जला ले।
उल्टी भी जा रही है। तो दोस्तों हमने आशीर्वाद ले लिया है और लास्ट में जाके मंदिर तक पहुंचे और अपने नानी जी के घर, और मेरे को लग रहा है कि यहीं पे हम एंड कर लेते हैं। तो आज का रक्षाबंधन ब्लॉग हमारा बस ऐसा रहा कि बहुत ही मजा आया और मैंने आपको सभी भाइयों से मिलवाया और अपना नानी जी का घर भी दिखाया, मतलब गाँव, और काफी मजा आया। बस यहीं पे करते हैं आज के ब्लॉग के एंडिंग देवता जी के साथ। आई होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा आराम से बोलना पड़ रहा है, देवता जी के मंदिर में थोड़ा आराम से बोला जाता है, तो इसलिए बस अब हम जा रहे हैं। और बस और इस बहुत ज़्यादा प्यार देना, ओके बाय बाय। देवता जी भी देख रहे हैं, प्यार देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके बाय बाय। खुश रहे, आबाद रहे, मेरे को ही प्यार करे हमेशा, कह रहे ना सबको बोला है भाई, आपको अकेला नहीं बोला, सबको बोला। नानी घर में छोटे से बड़े वाले भाई हैं, छोटे से बड़े सोच के उस सोचने में बबलू है ना, छोटे क्या छोटे बबलू ऐसे ना, देखो गाइस सुना बड़े हैं। अब हम फोटो खींचते हैं, खींचो